हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट के सीडीपी सेक्शन के 16 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सीटेट एग्ज़ाम में जुलाई 2019 में, पेपर टू में ये मैंने अटेम्प्ट करा था। तो इसके स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो इसमें कौन सी स्टेज पूछी, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा द यूनिवर्सल एथनिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। किसका? कोलबर्ग का। तो इसका डी आंसर सही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त क्रियात्मक क्या होता है? मूर्त जो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम जिस चीज़ को हम देख सकते हैं सीधे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सुरक्षित रखने की योग्यता, आंसर नंबर टू, एबिलिटी टू कंजर्व। ठीक है, ये किसके जो बताया गया ना इसमें, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जो पहले स्टेज होती है हमारी सेंसरी होती है, सेंसरी मोटर स्टेज। फिर दूसरी वाली होती है प्री चाइल्डहुड। फिर कंक्रीट स्टेज होती है और फिर लास्ट में फॉर्मल स्टेज होती है। तो ये जो एबिलिटी टू कंजर्व है ये किस में आता है हमारा? ये थर्ड स्टेज में आता है हमारा। ठीक है, थर्ड स्टेज में आता है। जीन पियाजेट एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे अधिगम को किस रूप में देखते हैं? ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन थे? जिन्होंने किस चीज़ पर बात करी है कि निर्माणवाद पे, कि किसी चीज़ों से किन चीज़ों का निर्माण किस प्रकार से बच्चों में बालकों में होता है। जबकि कुछ बिहेवियरिस्ट थे जो कंडीशन की बात करते हैं। तो ये किस चीज़ की बात करते हैं? ये अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाई एक्टिव इंगेजमेंट। जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो उनकी क्या होगी? उनकी लर्निंग होगी। ठीक है, उनका विकास होगा बालकों का। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम। इसमें समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ना कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें से किस प्रकार से उसमें दिया होता है कि कभी कभी लड़कों के वो जो मेल है, मेल को ही ज़्यादा आगे दिखाया जाता है, फीमेल को पीछे दिखाया जाता है। ऐसे हमारी बुक में भी दिया एग्ज़ाम्पल दिए रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए SST की बुक में जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनमें महिलाओं का जिक्र कम होता है। तो इसका क्या हो गया? ये जेंडर बायस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप की बात है, लैंगिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो सोशलाइजेशन जो होगा बच्चों का, मीडिया से होगा, बिल्कुल होगा, स्कूल से, फैमिली से, नेबरहुड से। और सबसे पहले कहाँ से होता है बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट जो होता है, वो फैमिली से होता है, मदर से होता है। फिर उसके बाद हमारा नेबरहुड आता है, फिर स्कूल आता है, और मीडिया तो बाद में आता है। तो इसके 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन सही है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी जिन्होंने दी है, ठीक है, जो NCERT की बुक है उसमें 8 स्टेज की बात करी गई है। जबकि जो अलग अलग विद्वानों की बुक है, किसी ने 14 स्टेज बताई है, किसी ने 13। तो इसमें देखते हैं कि अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ठीक है, ये अंत जो दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता, जिसमें किसी चीज़ की एबिलिटी हो, जो डिटेक्ट कर पाए रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर। तो ये कौन सा होगा? ये इंटरपर्सनल होगा। ठीक है, इस प्रकार का उस व्यक्ति का क्या है? पर्सनैलिटी है। और इंट्रापर्सनल नहीं होगा, ये इंटरपर्सनल होगा, अंतर्व्यक्तित्व। ठीक है, अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है हर किसी व्यक्ति की। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होती है। हमारे सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं तो हर किसी की अलग पर्सनैलिटी है। बच्चों के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए?
ठीक है, बच्चों का अगर हमें क्या करना है, असेसमेंट करना उनका जो चिल्ड्रन है, तो कौन कौन से होंगे इसमें, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। सेकंड वाला है टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। यस बिल्कुल सही है, टू फाइंड आउट व्हाट चेंज एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, तो 2, 3, 4 बिल्कुल सही है, जबकि पहले वाला क्या था, बिल्कुल गलत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा, उसकी उसकी क्या अवधारणा है, तो इसका आंसर नंबर 2 होगा, बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है, ये किस चीज़ में बिलीव करता है, कि हर किसी बालक में कुछ ना कुछ क्षमता है, और उस क्षमता को टीचर को निकालना है, बाहर निकालना है, ठीक है, अपने टीचिंग के द्वारा और अपने संसाधनों के द्वारा। ठीक है, तो इसी को ही प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। जो आज की शिक्षा है वो चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन दी जाती है। पहले की जो टीचिंग थी वो कैसी थी, टीचर सेंटर था, उसमें टीचर केंद्र में होता था, लेकिन आज हमें बालकों को केंद्र में रखकर एजुकेशन देनी पड़ती है। तो आज की जो एजुकेशन है चाइल्ड सेंटर है, और ये कौन सी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, तो आंसर नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट इज इट इज़ इम्पोर्टेंट। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, हर किसी में अलग अलग भिन्नता होती है, तो उसमें क्या होती है, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। बिल्कुल सही बात है, कि जो हमारा विकास होता है ना, वो इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों काम करते हैं उसमें। हमारा जो विकास होगा उसमें, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे दादा दादी के, माता पिता के, मेरे पेरेंट्स के कहीं ना कहीं गुण आएंगे, और इसके अलावा मैं किस इन्वायरमेंट में, मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, ठीक है, मेरा लालन पालन हुआ है, ठीक है, तो इन सब का किस पे असर पड़ता है, हमारी किस पर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर, इंडिविजुअल डिफरेंस पर। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, विकास का सिद्धांत नहीं है, वृद्धि और विकास, वृद्धि क्या होती है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, और विकास क्या होता है, डेवलपमेंट विच वी कैन नॉट मेज़र। तो विकास का क्या कौन सा सिद्धांत नहीं है दिया इन्होंने, तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना जो नोट वाले होंगे। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इट्सेल्फ। बिल्कुल गलत है, इट इज़ टोटली रॉन्ग। जब भी हमारा जन्म होता है, क्या उस टाइम पर हमें ये पता होता है कि हमारा विकास किस तरीके से होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जबकि ऊपर वाले क्या हैं, तीनों के तीनों सही है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है, बिल्कुल सही बात है। मेरे भाई का विकास जो है उसकी कुछ सीमाएं अलग है, मेरे विकास की अलग सीमाएं हैं, सिस्टर की अलग है, तो हर किसी की इंडिविजुअल है, कोई जल्दी से बढ़ जाते हैं, कोई धीरे धीरे लंबे होते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों ही विकास में आते हैं, तो इसकी एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, धीरे धीरे करके। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल सही बात है, धीरे धीरे होता है ये, ठीक है, ग्रेजुअली। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, तो चौथा इसमें गलत था। अनेक शोध अध्ययनों, सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंट्रैक्शंस विद बॉयज़ देन गर्ल्स, व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ठीक है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। अगर कोई टीचर है और उसकी एंगेजमेंट किसके साथ ज़्यादा है, जो बॉयज़ स्टूडेंट है, तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है। ठीक है, दिस इज़ शोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। ठीक है, जेंडर बायस को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो इसका आंसर नंबर 3 होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। एक समस्या को मूल एवं अपसारी संसाधनों, अपसारी क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन, बिल्कुल हट के सोचना, पूरे दिमाग से होशावास में क्या करना, बिल्कुल अच्छे तरीके से, जो जब हम सोचते हैं सभी चीज़ों को एनालाइज करके, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जब क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी संसाधनों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। ये क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं जो,
जो क्रिएटिव होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, जबकि जो इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, जो क्षतिग्रस्त होते हैं कहीं ना कहीं, जैसे जिनको आज हम क्या कहते हैं, पहले बोलते थे हम विकलांग, लेकिन आज कल हम बोलते हैं दिव्यांग, ठीक है। अहम केंद्रित क्या होता है, ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इसका सृजन कौन सा होगा, जो क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडॉप्शंस शुड अ टीचर मेक वाइल वर्किंग विद स्टूडेंट्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा टीचर को, ठीक है, टीचर हैव टू स्पीक क्लियरली, टीचर को बिल्कुल साफ साफ बोलना पड़ेगा, एंड यूज़ अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल, ठीक है, जैसे जिन जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए लुई ब्रेल ने 1825 में 1825 में जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज करी है, तो टीचर को उन बच्चों के लिए साफ साफ बोलना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए आप मुझे भी इस वीडियो में सुन रहे हो तो मेरी क्लियर आपको वॉइस क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि आप, कई सारे बच्चे जो जिनकी आइज नहीं है वो भी इस मेरी वॉइस को सुनकर इस इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं, तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो कोऑपरेटिव लर्निंग कौन सी होती है, जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और पीयर ट्यूटरिंग पीयर जो हमारे पीयर ग्रुप हो, जो साथी समूह होता है क्लासरूम में, वो एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या आएगा, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, इसको एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए हमें, हमारी किसको, एजुकेशन सिस्टम को, किस चीज़ को, कोऑपरेटिव लर्निंग को, टीचर को फोकस करना चाहिए कि बच्चे आपस में डिस्कस करके सीखें, एक दूसरे की हेल्प करके सीखें पीयर ट्यूटरिंग से, ठीक है, तो ये किस चीज़ को एक्टिव करता है, ये प्रमोट करते हैं हम इसमें, ठीक है, बच्चों को आगे, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो जो इंक्लूसिव क्लासरूम कौन सी क्लासरूम होती है जिसमें सभी तरह के बच्चे बैठते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड भी होते हैं और जो नॉर्मल चाइल्ड भी होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बच्चे की अलग अलग नीड है, तो इसको विशिष्ट शिक्षा योजना बोलते हैं हम, ठीक है, किस चीज़ के लिए, जब निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शनल क्या होती है, एक रूप निर्देश के बच्चों को निर्देश दे दिए, वो गलत है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग वो भी गलत होगा, प्रोमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग ये तो बिल्कुल गलत है, कॉम्पिटिटिव लर्निंग तो होनी नहीं चाहिए एजुकेशन में, इसमें होना चाहिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी IEP, विशिष्ट शिक्षा योजना, हर किसी बच्चे को आगे बढ़ने का अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला पेयर जो है वो करेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम सीधे देखते हैं, डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिक लर्नर्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, बिल्कुल सही बात है, डिसलेक्सिया एक प्रकार की वो बीमारी है जिसमें हम क्या, पढ़ने में हमें दिक्कत होती है, ठीक है, पठन और किस में, पढ़ने में और लिखने में, एग्जाम्पल के लिए गॉड को हम डॉग पढ़ते हैं, शॉ को वॉच पढ़ते हैं, जैसे तारे ज़मीन पे जो ईसान अवस्थी था उसको यही बीमारी थी, बहुत ही फेमस जो मूवी है तारे ज़मीन पर, बहुत पुरानी मूवी है, तो उसको डिसलेक्सिया नामक बीमारी थी, ठीक है, तो ये वाला इसका सही आंसर था। अब बच गए 14 क्वेश्चन, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और CTET के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पूरे कराऊंगा, CDP के और फिर SST के। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।